ही बैठ जाते हैं, हल्का सा और ऊपर है यहाँ उठने पर। देखिए ये देखिए व्यायाम देखिए, आज जो हमारे देश में बहुत बहुत सारे प्रकार का बीमारियां जो चल रहा है उससे निपटने के लिए जो मनोहर सर का प्रयास है, मनोहर सर आज जो व्यायाम आप करा रहे हैं, हमारे देश में बहुत सारा बीमारियां चल रहा है उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे, इससे क्या फायदा मिलेगा? ये पुरातन संस्कृति है जी, और पुरातन संस्कृति के अनुसार आचार्य श्री पतंजलि इस तरह के योगाभ्यास के बारे में बताया था। उन्होंने सबसे पहले बताया कि योग बल से जटिल से जटिल रोगों का निदान किया जा सकता है जी, इसका सही उपचार किया जा सकता है। यानी योग शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग भी ठीक हो सकते हैं, जैसे पुराना दर्द हो। तो आप ये बाबा को जो सिखा रहे हैं तो क्या इनको मांसपेशी में दर्द है जी, ठीक है, और अस्थि पंजर में दर्द है जिसकी वजह से ये हमेशा परेशान रहते हैं? अच्छा, ये सारे समस्याओं का हल होगा जी जी। अच्छा ठीक है, आप कराते रहिए। तो मनोज सर आपसे क्वेश्चन है कि ये जो अभी देश में कोरोना वायरस चल रहा है इसके बारे में इम्यूनिटी पावर जो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी बोल रहे हैं, तो ये व्यायाम से इस देश को क्या फायदा मिलने वाला है, ये इसके ये वीडियो से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कोरोना वायरस जो है अभी एक चेतावनी है दुनिया के लिए जी, अगर हम लोग अपने आप को अभी नहीं संभाले तो इससे भी बहुत बहुत बुरा स्थिति में हम लोग जाने वाले हैं जी जी। हम लोग यथासंभव, ये तो खैर कोरोना वायरस की बात है, हम लोग यथासंभव कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं जी। और डेली व्यायाम से जुड़े हुए रहें, ऐसा नहीं कि बैठे बैठे आप सोए हुए रहे और दूसरा बीमारी घर से ही ग्रसित हो जाए जी। समझ रहे हैं जी, तो हमेशा योग से जुड़े रहे। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि यथासंभव जहाँ तक संभव हो योग से जुड़िए। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ राजन जी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप यह व्यायाम कर इस स्थिति में कैसे और कब पहुँचे? अगर हमारे आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही है